इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे आज। इसमें हम देखेंगे कौन से लॉज हैं जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी गवर्न करते हैं, इनका मतलब क्या है और कितने टाइप के आईपीज हो सकते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जैसे कि पेटेंट, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट। इन्फ्रिंजमेंट क्या हो सकती है, यानी कि जब इनका उल्लंघन किया जाता है पेटेंट, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट लॉज का, उसे इन्फ्रिंजमेंट कहते हैं और इसके प्रति आप क्या कर सकते हैं, इसके अगेंस्ट क्या एक्शन ले सकते हैं, कुछ केस स्टडीज देखेंगे फिर कंक्लूड करेंगे। तो वीपो, शुरुआत करते हैं वीपो से। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ये एस्टैब्लिश हुई थी वीपो कन्वेंशन में 1967 में। ये वीपो एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की और ये प्रमोट करती है प्रोटेक्शन किसका, आईपी का। आईपी जो तीनों चीजें आती है, जिसमें पेटेंट आता है और ट्रेडमार्क आता है और कॉपीराइट आता है। पूरे समस्त विश्व में ये प्रमोट करती है प्रोटेक्शन को। इसका जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड में है, जिनेवा में। अप्रैल 26 को हर साल वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे मनाया जाता है। देखिए इस तरीके से मनाया जाता है, कुछ आपके लिए विजुअल्स मैंने डाले हुए हैं। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिया में बहुत सारे, इंडिया में नहीं बहुत सारे विश्व में ये के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ फर्म्स हैं, जैसे देश में हमारे यूएसए, यूके, शिकागो, और बहुत बढ़िया क्वालिटेटिव हेल्प देते हैं आपको, इन्वेंटर्स को और क्रिएटर्स को, जो प्रोडक्ट का इन्वेंटर्स और क्रिएटर्स हैं। और जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है बहुत बढ़िया तरीके से प्रोटेक्टेड है और बहुत बढ़िया से कंट्रोल्ड गवर्न्ड है हमारे जो स्टैचुरी और जुडिशियल फ्रेमवर्क है उस हिसाब से। अच्छा, इसके अलावा बहुत सारे अटॉर्नीज और लॉ फर्म भी हैं जो इनको एक तरीके से टेकअप करती हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को, और पूरे देश में ये विद्यमान है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है क्या? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, देखिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहाँ से आता है? इंटेलेक्ट से आता है, दिमाग से आता है, सोच से आता है, जानकारी से आता है, समझ से आता है और आपके कुछ नया करने से आता है। कुछ ऐसी चीज़ जो आपकी हो, आपने की हो और कुछ नया किया हो, ये सारी चीज़ें इसमें निहित है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ये ऐसी प्रॉपर्टी है जो ह्यूमन इंटेलेक्ट से आती है। ह्यूमन इंटेलेक्ट, ह्यूमन इंटेलिजेंस कह सकते हैं इसको, या आप एक तरीके से कह सकते हैं हुनर, हुनर से आती है। तो इंसान का जो क्रिएट किया हुआ कोई भी चीज़ है, जो नया है, जो उसका है, वो सारी चीज़ इसमें आती है। तो दो टाइप के आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के फॉर्म्स हो सकते हैं। एक हो सकते हैं लिटरेरी या आर्टिस्टिक वर्क हो सकता है, एक आपका इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज हो सकती है। तो लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क्स में क्या आएगा, जैसे बुक आपने लिखी, पेंटिंग बनाई, कोई आपने म्यूजिकल कंपोजिशन की, प्ले किए, मूवी बनाई या रेडियो टीवी प्रोग्राम किया, परफॉर्मेंस किया, और इसके अलावा जो आर्टिस्टिक वर्क है वो सारे के सारे आपके कॉपीराइट से प्रोटेक्टेड है। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी की जहां तक बात करें तो वो फिजिकल मैटर है जो आपका प्रोडक्ट के फॉर्म में होता है, जो आपके आइडियाज और कंसेप्ट है उनको आप प्रोडक्ट फॉर्म में कमर्शियल पर्पस के लिए यूज करेंगे, तो उनको हम इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी कहते हैं। ये पेटेंट के थ्रू, ट्रेडमार्क के थ्रू, इंडस्ट्रियल डिजाइन के थ्रू, ट्रेड सीक्रेट के थ्रू, लेआउट डिजाइन के थ्रू और ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस के थ्रू इनको प्रोटेक्ट किया जा सकता है। कितने फॉर्म के आईपीज हो सकते हैं, जैसे फंक्शनल और टेक्निकल इन्वेंशन हो सकते हैं, बिल्कुल प्योरली आर्टिस्टिक वर्क हो सकते हैं, और सिंबल, लोगो, वर्ड, साउंड, कलर, डिजाइन, ये सारे हो सकते हैं। पेटेंट, सबसे पहले बात करते हैं पेटेंट्स के। ये जो पेटेंट एक्ट है 1970 जो कि अमेंड किया गया था 2005 में, पूरे देश में विद्यमान है। ये पेटेंट लॉ या पेटेंट एक्ट से गवर्न होता है। डेफिनेशन समझिएगा, ये पेटेंट है ऐसा इन्वेंशन जिसमें इन्वेंटर ये क्लेम करता है कि वो उसका एक्सक्लूसिव राइट है, केवल उसी का राइट है क्योंकि उसने बनाया उसको। तो इन्वेंशन जो भी है वो पेटेनेबल कब हो जाता है, तब जब वो नया हो, जब वो यूजफुल हो, जब वो ऐसा ना हो कि अरे ये तो ऑब्वियस है, इसमें आपने नया क्या किया। और सबसे बड़ी बात कि ऐसा सब्जेक्ट मैटर है जो पेटेंटेबल हो सके, उन्हें हम पेटेंट कहते हैं। तो पेटेंटेबल सब्जेक्ट मैटर क्या क्या हो सकते हैं, जैसे इन्वेंशन,
जैसे आपने कोई प्रोसेस या प्रोडक्ट बनाया जो नया इन्वेंशन है, कोई इन्वेंटिव स्टेप है या इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है जिसको जो आपका इन्वेंशन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में जा सकता है या फिर मशीन बनाई, ये सारे आपके पेटेंटेबल सब्जेक्ट मैटर है। लाइफ और ड्यूरेशन देखिए, जो भी ये मैं वर्ड नंबर्स कहूँगा, ये जिस समय मैं बना रहा हूँ उस समय है, आगे के समय जब आप इसे सुन रहे होंगे तो हो सकता है चेंज हो जाए, तो उसको नया ज़रूर देख लीजिएगा। अभी फिलहाल तो ये है, 20 साल तक के लिए पेटेंट मिलता है जहाँ जब आपका डेट ऑफ फाइलिंग है, और प्रायोरिटी है जिसने पहले फाइल किया उसको मिल जाएगा, और जिस समय आपने एप्लीकेशन जमा कर दी बस वहीं से डेट समझी जाएगी और वही वहाँ से डेट से आपका नंबर ऑफ ईयर्स गिने जाएंगे। 750 रुपये है अगर आप अकेले हैं, इंडिविजुअल हैं, 3000 है अगर आप कोई लीगल एंटिटी है। पहले और दूसरे साल के लिए कोई फी नहीं लगती, फिर रिन्यूअल लगती है, रिन्यूअल फीस लगती है, और कोई अगर रिन्यूअल फीस देने में आप लैप्स करते हैं तो उसका भी आपको चार्ज देना पड़ता है। अच्छा, बड़ी एक इसमें कॉमन एक क्या कहते हैं उसे क्वेश्चन है कि क्या पेटेंट जो यहाँ ग्रांट किया जाता है एक कंट्री में वो दूसरे कंट्री में भी चलेगा? ऐसा नहीं है, ये बड़ा ट्रिकी सवाल है, उसका बड़ा एक तरीके से अनफॉर्चुनेट आंसर है कि नहीं, ऐसा नहीं है। अगर जो आप यहाँ पर करेंगे वो कहीं और चलेगा ऐसा नहीं है। अगर आप यहाँ पर इन्वेंशन करेंगे और कोई मुगध इशू में अगर कोई इन्वेंशन कर रहा है तो वो दोनों इन्वेंशन अलग से ही पेटेंट उनके लिए जाएंगे, ये एक चीज़ है इसमें। और लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि आजकल ग्लोबल वर्ल्ड है, अगर किसी ने ये चीज़ पेटेंट कर ली है कोई चीज़, तो अगर वो दिख जाती है तो दूसरे उसे पेटेंट अमूमन नहीं कराते। पेटेंट देखिएगा इंडिया में क्या इसकी एक तरीके से रूपरेखा है पेटेंटिंग की, कितने लोग पेटेंट हो रहे हैं, कितने पेटेंट मिले हैं। जो 10 टॉप पेटेंट होल्डर हैं वो इंडिया में फार्मास्यूटिकल या बायोटेक कंपनी से, इसमें 184 पेटेंट्स तो CSIR के पास ही है और बाकी फ्रेमबैक्सी के पास है, जबकि वर्ल्ड की जो टॉप 10 पेटेंट्स हैं वो IT कंपनीज को मिले हुए हैं। और बड़ी अचरज की बात है कि IT कंपनीज हमारे पास हमारे यहाँ पेटेंट नहीं ले रही। जैसे जयपुर के साहब हैं हरिंदेश्वर सिंह भाटी, स्टीवन हॉकिंग इस तरह, ये भी अनफॉर्चुनेटली ये एक स्पेशल एबिलिटी है इनके पास, और इन्होंने 6 प्लेयर्स का एक चेस बनाया, 6 प्लेयर का चेस, और ये जो इन्होंने बनाया इसके लिए इन्होंने पेटेंट लिया। इनके लिए ज़रूर आप तारीफ कीजिएगा, ऐसा काम बहुत बिरले ही कर पाते हैं, बहुत कम लोग कर पाते हैं, और हमारे लिए सब बहुत बड़ी प्रेरणा है। और पेटेंट इस तरीके से दिखता है, और हर एक आपके कंट्री में पेटेंट अलग अलग हो सकता है, उसका सर्टिफिकेट अलग अलग हो सकता है। पेटेंट की बात क्या बात है, हम ट्रेडमार्क पे आते हैं। ये ट्रेडमार्क एक्ट 1999 में गवर्न होता है, और ये आया फिर 2003 को, इसको चेंज किया था, जो ट्रेड और मर्चेंडाइज एक्ट है पूरे देश में लागू है ये। अब ट्रेडमार्क है क्या, एक जैसे सिंबल है, कोई लोगो है, वर्ड है, कोई साउंड है, कलर है, डिज़ाइन है, या कोई डिवाइस है जो एक पर्टिकुलर बिजनेस को या प्रोडक्ट को कमर्शियल वे में आइडेंटिफाई करता है। जैसे अगर कहीं TM लिखा हुआ है तो वो ट्रेडमार्क हो गया किसी प्रोडक्ट के लिए, SM लिखा हुआ है तो वो आपका सर्विसेज के लिए हो गया, R लिखा गया तो ये रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क हो गया। और रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर इसका एप्लीकेशन है, रजिस्ट्रेशन है, ट्रेडमार्क है, एडवर्टीजमेंट ऑफ ट्रेडमार्क है, फाइलिंग ऑफ अपोजिशन है, सर्टिफिकेशन फिर इशू होता है, बिल्कुल वही तरीका है इसमें भी। 10 साल के लिए वैलिड होता है, और इसके बाद आप उसको बढ़ा भी सकते हैं, रिन्यू कर सकते हैं। जो सर्विस वाले हैं, जो ये तो आपके प्रोडक्ट के हो गए, ये सर्विस वाले 17 साल तक है, उसको भी रिव्यू किया जा सकता है। प्रेजेंट फीस 2500 रुपये है। अच्छा, ट्रेडमार्क ये साइन है जो यूज्ड ऑन होता है, मतलब इसका उपयोग किया जाएगा, इसको लगाया जाएगा, इसको कहीं पे दर्ज किया जाएगा, तो जो गुड्स और सर्विसेज होंगे वहाँ पर आपको ये दिखाई देगा, इट विल बी यूज्ड ऑन दोज गुड्स एंड सर्विसेज, वो उसके ऊपर लगाया जाएगा। और गुड्स पे भी हो सकता है, कंटेनर पे, रैपर पे भी हो सकता है, जिस पे भी ये बेचा जाए सामान। देखिए ध्यान दीजिएगा सही यूज़ क्या है, करेक्ट यूज़ क्या है, इनकरेक्ट यूज़ क्या है, आपको उसको एकदम अलग से दिखाना पड़ेगा। जो आपका एक ट्रेडमार्क है या फिर आप जिसे बोलते हैं कि मेरा ट्रेडमार्क है, तो उसको अलग से दिखाना पड़ेगा। जैसे रेमन टेक्सटाइल को एक सेंटेंस है उसमें कैसे दिखाया गया, रेमन टेक्सटाइल को अलग से आपने यहाँ पर
कोर्ट्स में दिया, इस तरीके से नहीं दिया कि रनिंग लाइन में अगर दे दिया तो ये बात ये ठीक नहीं है, इसको आपको इस तरीके से दिखाना पड़ेगा, ये करेक्ट यूज़ है। अब विमल देखिए, विमल का, एडीडी का, स्टोसा का, ये गलत यूज़ है, ऐसे नहीं है, आपको इस तरीके से यूज़ करना पड़ेगा। अब कैल्विन क्लीन है, देखिए नाम आपने बदल दिया, टॉमी हिलफिगर का नाम बदल दिया, ऐसा ये नहीं चलेगा, जो नाम है वही चलेगा, तो चेंज डू नॉट चेंज स्पेलिंग। ट्रेडमार्क किस तरीके से आप इसके बॉटल के ऊपर ही नाम दे सकते हैं, कोई नाम हो तो, जैसे कोका कोला का नाम है, लोगो आप दे सकते हैं, ये लोगो स्पेसिफाइड है नाइकी के लिए, ये मैकडोनल्ड्स के लिए, इसके नीचे जो लाइन लिखी है, स्लोगन लिखा है आई एम लविंग इट, ये भी इसके लिए ट्रेडमार्क है। ये शेप देखिए, इसका स्पेशल शेप है, जो शेप भी ऑलरेडी ट्रेडमार्क है। कलर देखिए, ऑरेंज के लिए ऑरेंज नहीं ले रखा है कि भाई मेरा ऑरेंज ट्रेडमार्क है, मतलब इस तरीके से अगर आप कलर देखेंगे उसके नीचे ऑरेंज लिखा होगा तो मान लीजिए कि ये ऑरेंज कंपनी का है। अब कॉपीराइट पे आते हैं, ये कॉपीराइट एक्ट भी इंडिया में है 1957 का, और काफ़ी अमेंडमेंट हो चुके हैं इसमें, और कॉपीराइट का मतलब ये होता है, इट इज़ अ राइट विच ग्रांट्स प्रोटेक्शन टू द यूनिक एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज। यानी कि अगर मेरा आइडिया है, मेरे पास कुछ आइडियाज है, मैंने कुछ चीज़ क्रिएट की है, मैंने जनरेट की है, तो उसके लिए मुझे कॉपीराइट चाहिए। ये टर्म ओरिजिनल जो कॉपीराइट में है, इसका मतलब ये है कि ये ऑथर जो बनाने वाला है उससे ओरिजिनेट हुआ है, उसने ओरिजिनल मतलब मेरा है, मेरा आइडिया है, मैंने इसको जनरेट किया है। कोई नोवेल्टी या यूनिकनेस की जरूरत नहीं है इसमें। अगर मैं कोई अपना कोई एक गाना गा दूँ, कोई और किसी ने गाया हुआ, मैं अपनी आवाज़ में गा दूँ, तो मैं उसके लिए परमिशन नहीं ले सकता, वो तो मेरा ओरिजिनल हो गया, मैंने अपने अंदाज से गा दिया उसको। और जो आइडियाज़ हैं उसको प्रोटेक्ट करता है, केवल मतलब ये समझिएगा कि ये केवल किसको करता है, आइडिया को, ऐसा नहीं कि ये आइडिया को, एक्सप्रेशन ऑफ आइडिया को प्रोटेक्ट करता है कॉपीराइट, ये नहीं कि आइडिया को, खुद जो आइडिया है उसको नहीं प्रोटेक्ट करता, एक्सप्रेशन ऑफ आइडिया को करता है। जैसे लिटरेरी है काम, फिल्म है, ड्रामेटिज्म है, ड्रामेटिक्स है, म्यूजिक है, आर्टिस्ट के कुछ चीज़ हैं, साउंड रिकॉर्डिंग है, ये सारी चीज़ें कॉपीराइट में कवर होती है। अब क्या चीज़ कवर नहीं होती, जैसे आइडियाज़ है, अभी आइडियाज़ तो किसी को भी कुछ भी आ सकते हैं, और आपके आइडियाज़ दूसरे के आइडियाज़ हो सकते हैं, नहीं, फैक्ट्स मतलब सनराइजेस इन द ईस्ट, अब ये तो फैक्ट है, ये जिसको कोई कॉपीराइट नहीं कर सकता है। रेसिपीज़, अब कोई बोलेगा मैं पोहा बनाता हूँ और मैंने, सब लोग बनाते हैं, मैंने उसको कॉपीराइट कर लिया, नहीं ऐसा नहीं, कोई भी इसे कर सकता है, पोहा सब बनाते हैं, सब यूज़ करते हैं। अब जो वर्क है, काम है, वो अगर उस ओरिजिनलिटी को लैक करता है, जैसे कि फ़ोन बुक है, आप कोई आपकी डायरेक्टरी बुक है, अब ये तो खैर वो नहीं हो सकता ना, कॉपीराइट नहीं हो सकता, नाम है, टाइटल है, शॉर्ट फ्रेजेस है, ये कॉपीराइट नहीं हो सकते हैं। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इसका भी इसी तरीके से है, अप्लीकेशन भरनी पड़ती है, फीस देना पड़ता है, और क्या है कि अगर आपका जो काम है वो इंडिपेंडेंटली, बट ईच वर्क हैज़ बीन क्रिएटेड इंडिपेंडेंटली, अगर आपका एक काम है अलग अलग तरीके से, जैसे आपका गाना है, एक गाना, दो गाना, तीन गाना, ये सारे के सारे अलग अलग उसमें कॉपीराइट प्रोटेक्शन में ला सकते हैं। कॉपीराइट जो है 50 साल तक जाता है, या फिर ऑथर के लाइफ टाइम तक, और 31 तारीख को ये ख़त्म होता है। 50 ईयर फिल्म के लिए है, पिक्चरों के लिए, 25 ईयर इसका टाइपोग्राफिकल अरेंजमेंट के लिए, जब पब्लिश होगा ये। अच्छा, फेयर यूज़, अब इसमें फेयर यूज़ कैसे डिफाइन करेंगे आप? अगर कुछ क्राइटेरिया मीट करता है कॉपीराइटेड मटेरियल का, तो आप फेयर यूज़ उसे मान सकते हैं। जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, अगर किसी ने कुछ बोला और आपने भी वो बोल दिया, तो ऐसा नहीं कि आप कॉपीराइट उसके ऊपर लगा देंगे, वो तो इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम फ्रीडम ऑफ स्पीच, कोई भी इसको कर सकता है। जैसे मैंने बताया ना, किसी ने गाना गाया है और मैंने गाना गा दिया, तो मुझे कोई पकड़ के नहीं ले जाएगा कि भाई आपने कैसे वो गाना गा दिया, मैं अपनी आवाज़ में गा रहा हूँ, मैं अपने तरीके से गा रहा हूँ। और जैसे अगर बेनिफिट कर रहा है, जैसे एजुकेशन लाइन में बेनिफिट कर रहा है, तो उसको पब्लिक बेनिफिट के लिए कर रहा है, तो उसके लिए भी इसका फेयर यूज़ माना जा सकता है। इसके अलावा फेयर यूज़ का कुछ एक्सक्यूज़ भी लोग ले सकते हैं, जैसे मान लो कुछ आपसे यूज़ करके पैसे कमा रहे हो, या अपना काम नहीं करना चाहते, आपका काम यूज़ कर रहे हो, वो आपके इसमें आ सकता है, इसके लिए आपको बीवेयर रहना पड़ेगा। कितना यूज़ कर सकते हैं, जैसे फोटो इमेजेस हैं, कम से कम मतलब एक 5 तक यूज़ कर सकते हैं, 10% तक यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपका मतलब
वर्ग या 10% जो भी लेस होगा उतना आप यूज कर सकते हैं। डेटा बेस इंफॉर्मेशन भी यूज कर सकते हैं, जैसे 10% है या 2500 फील्ड्स है सेनेटिक्स की, जो भी लेस होगा वो आप यूज कर सकते हैं। अब इन्फ्रिंजमेंट यह मतलब ये है कि कॉपीराइट, ट्रेडमार्क या फिर पेटेंट वगैरह को इन्फ्रिंज करता है आपके ओरिजिनलिटी में, आपकी चीज़ों में कोई इन्फ्रिंज करता है, फिर आप क्या करेंगे। तो इन्फ्रिंजमेंट पहले क्या होता है ये देखिएगा, कोई रिप्रोडक्शन है, यूज है, डिस्ट्रीब्यूशन है या परफॉर्मेंस है बगैर ओनर की परमिशन के, अगर आप ये कर रहे हैं तो फिर ये आपका इन्फ्रिंजमेंट माना जाता है। एकदम सेम टू सेम या उसी तरीके का रिप्रोडक्शन, ये भी इसमें आता है, इन्फ्रिंजमेंट में आता है। इन्फ्रिंजमेंट अगर आप डैमेज कर रहे हैं किसी चीज़ को, ख़राब कर रहे हैं, वो भी इन्फ्रिंजमेंट में आता है किसी के ओरिजिनल काम को। तो सूट फाइल किया जा सकता है आपके इसमें, और मतलब डैमेजेस भी उस पर डाले जा सकते हैं साथ में, और ये भी कहा जा सकता है देखिए अगर आपने जितने यूज़ किए हैं अगर उसका पैसा जो मिलेगा उसकी रॉयल्टी दीजिए हमें, ये भी किया जा सकता है। जैसे एप्पल ने HTC को स्यू किया था, 20 एप्पल के पेटेंट्स ये HTC यूज़ कर रहा था, तो जो स्टीव जॉब्स ने कहा भी था कि कॉम्पिटिशन अच्छा है लेकिन अपनी टेक्नोलॉजी यूज़ करिए, आप ओरिजिनल टेक्नोलॉजी यूज़ करिए, हमारी क्यों चोरी कर रहे हैं। और जो सूर है ट्रेडमार्क, खासतौर पर ट्रेडमार्क अगर आप यूज़ करते हैं तो छः से मंथ से लेकर आधे साल से लेकर 3 साल तक आपका ये आपको जेल हो सकती है, और कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी आपकी बैन की जा सकती है। जैसे यहाँ पर जो एडिडास का है सेलो मैन, इसमें किसी ने यूज़ किया था इसको तो 15 लाख का उसको देना पड़ा था। और सूट जैसे मैंने आपको बताया कि 3 साल तक आप कॉपीराइट अगर आप किसी का वो लेते हैं 3 साल तक आपको जेल हो सकती है अगर कॉपीराइट आप किसी का, और जो क्लेम किया गया उतना आप क्लेम पैसा भी मिल सकता है, ये भी आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट में आप दर्ज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने ये देखिए रितिका लिमिटेड का, ये अश्विनी कुमार का है, कितना मैच करता है, ये आपका रितिका लिमिटेड का है, ये नीना तालुकदार का है, ये रितिका लिमिटेड का है, साजिद मोबिल का है, ये प्रॉब्लम देखिए इस तरीके से कॉपीराइट क्लेम जो है वो हर्ट करते हैं। अब इसमें एक चीज़ होती है कि अगर अनभिज्ञता या आप बोलें कि मैं तो मासूम हूँ तो काम नहीं चलेगा, मासूम मतलब मुझे तो पता नहीं था। देखिए आपने अगर कोई गलती से किया या जानबूझ के किया, लॉ के हिसाब से आपने गलत किया तो आपको सज़ा तो होगी, इसलिए कोई इनोसेंट इन्फ्रिंजमेंट अगर कोई अनेबल है उसके कोई एक्सक्यूज नहीं है। अगर आपने पेटेंट क्लियरली, अगर आपको ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड और ये सब दिख रहा है तो अगर फिर भी आप यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपको तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और इसके मतलब ये है कि अपना बनाइए, दूसरों का क्रिएशन यूज़ करने से अच्छा, और इस तरीके से यूज़ करिए ताकि कॉम्पिटिटर को हार्म ना हो, कोई अनफेयर मीन्स ना लगे, और कोई ऐसा मत कर दीजिए कि कंफ्यूजन पैदा हो। टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट जो है उसने क्रिएटर को तो बहुत अच्छा एक वो दिया है, पायदान दिया है आगे बढ़ने का, लेकिन कॉपियर को भी उतना अच्छा नहीं दिया है, इसलिए ध्यान रखिएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।